हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, कल की क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करेंगे। तो आज जो रहेगा वो आप लोगों का अलजेब्रा में, वैसे तो हमने सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब पर डिस्कस कर लिया, और डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आए। एक्सरसाइज पे हमने आपका NCERT के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 कराया भी, और 9.1 में आपका सम एंड सब्ट्रैक्शन था, दो ही चीज़ें थी। और वैसे तो आप लोग अलजेब्रिक सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्लास सिक्स से ही थोड़ा बहुत पढ़ते आ रहे हैं। क्लास सिक्स में भी पढ़ा, क्लास सेवन में भी पढ़ा, और आप क्लास एट में भी पढ़ रहे हैं। तो बस क्लास एट में थोड़ा सा बड़े लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं, क्लास सेवन में उससे छोटी थी, क्लास सिक्स में इनिशिएट था, स्टार्टिंग था, राइट। तो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 9.1 अकॉर्डिंग टू NCERT में बेटा सम एंड सब्ट्रैक्शन को देखा, और उसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, समझा भी। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 9.1 ओवर हो गया। अब आज जब हम लोग 9.1 से आगे मूव करते हैं तो वहाँ पे आता है बेटा अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है? अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रा। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में बेटा, पहले तो हमने उस दिन बता दिया था कि कोई कांस्टेंट हो, कोई वेरिएबल हो, तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले उसको बताया हमने, कांस्टेंट का वेरिएबल में कैसे मल्टीप्लाई होगा, फिर वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई कैसे होगा, वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर हम लाइक एंड अनलाइक को देखते हैं, तो जो लाइक टर्म, लाइक टर्म का लाइक टर्म में मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो वहाँ पावर को ध्यान में रखना पड़ता है एक्सपोनेंट को, और जो अनलाइक है वहाँ पर पावर को उतना ज़्यादा माइंड नहीं करना होता है। तो हमने उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया। अब इसके बाद में आज है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, जब आपके चाहे इस एक्सरसाइज में आया हुआ है, तो पहला जो है उसमें कहा गया है कि मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई होगा, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाई मोनोमियल ही समझ लीजिए। इन दो मोनोमियल्स है, तो मोनोमियल्स का मोनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई होगा। मोनोमियल का मतलब समझते हैं सिंगल टर्म। मोनोमियल मींस क्या हो गया, जो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो, वो अर्थात वन टर्म से बना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है। तो ये दो मोनोमियल हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। सपोज दैट एक 5x है, दूसरा 3y है। अब देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें आएंगी, लाइक एंड अनलाइक, अभी तो आपको हमें माइंड करके ही चलना पड़ेगा। तो देखिए 5x है फर्स्ट टर्म है, और आपका सेकेंड टर्म जो है वह क्या है, 3y है। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात दोनों को चेक करेंगे कि दोनों लाइक हैं भी या नहीं। तो हम देखते हैं तो ये दोनों लाइक नहीं है, ये दोनों क्या हैं, अनलाइक हैं। तो फिर क्या करेंगे, 5x मल्टीप्लाई बाई 3y। अब 5x मल्टीप्लाई बाई 3y कर दिए, तो फिर आपने क्या किया, तो इसके लिए आपको देखें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट, और उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो आपका कांस्टेंट 5 है उधर, उधर क्या है 3 है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई किए एंड वेरिएबल में वेरिएबल का कर दिए, तो ये आपका क्या आ गया, 15xy। क्या आ गया, 15xy आ गया, राइट। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में, वेरिएबल का वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया, 15xy। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो मान लीजिए कि बेटा आपका अनलाइक था, यदि आपको सपोज दैट लाइक वाला आ जाए, सपोज कीजिए कि या तो फिर एक कांस्टेंट हो दूसरा लाइक हो, सपोज दैट 4 and 3y का मल्टीप्लाई करना हो, तो सीधे सीधे कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके साथ वेरिएबल रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 12y हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन आपकी आती है 3x एंड 5x स्क्वायर का सपोज दैट मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका क्या आ गया, 3x मल्टीप्लाई बाई 5x स्क्वायर।
तो अब हमने क्या कहा, कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 हो गया। उसके बाद वेरिएबल का वेरिएबल में करेंगे तो ये आपका देखिए सेम वेरिएबल है, मीन्स लाइक टर्म है, दो के दोनों टर्म्स क्या है लाइक है। अब जब ये लाइक है तो मल्टीप्लाई होगा और उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड होगा। ये क्लास 7 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया 5 × 3 = 15, ये 15 हो गया। और एक्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स में एक्स स्क्वायर से, सॉरी लाइक टर्म्स तो ये नहीं थे, हम गलत बोल गए, ये दोनों टर्म जो थे वो लाइक तो नहीं थे। लाइक तो तब होते जब यह भी एक्स होता या भी एक्स होता है, तो ये दोनों अनलाइक, बट जो इसके वेरिएबल हैं वो सेम हैं, है तो दोनों ये अनलाइक, बट इसके जो वेरिएबल हैं वो दोनों क्या है सेम है। और जब वेरिएबल सेम है तो मल्टीप्लाई में उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और वहाँ पर देखिए दोनों अनलाइक थे बट उनके दोनों वेरिएबल सेम नहीं थे, इसलिए उनको उनके एक्सपोनेंट जो थे वो ऐड नहीं हुए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया 15, ये आपका हो गया एक्स क्यू, आपका क्या आंसर आ गया 15x³, राइट। तो ऐसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो था कि वेरिएबल है, सॉरी मोनोमियल का मोनोमियल में मल्टीप्लाई। अब देखिए सेकेंड में बेटा क्या रहेगा, सेकेंड में आपका एक मोनोमियल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, बायोनोमियल रहेगा। सपोज दैट ये आपका मोनोमियल हो गया और दूसरा जो है आपका ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड में क्या हो गया 3x + 5 पे क्या हो गया, बायोनोमियल हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो आपका फर्स्ट है, आपका सेकेंड है, एक मोनोमियल है दूसरा बायोनोमियल है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है, तो जब तक आप मोनोमियल में मोनोमियल का मल्टीप्लाई करना नहीं सीखे रहेंगे, बायोनोमियल के करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बायोनोमियल को भी पहले हम मोनोमियल में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, जब हम बेटा ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये आपका हो गया 5x जो है इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा। तो ये आपका हो गया 5x × 3x, फिर अगेन प्लस साइन हो गया, फिर उसके बाद हो गया 5x × 5, राइट, 5x × 3x, अगेन 5x × 5। तो अब देखिए ये मोनोमियल, ये मोनोमियल, मोनोमियल में मोनोमियल का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी क्या हो गया आपका, एक मोनोमियल है दूसरा कांस्टेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसीलिए पहले इसको जानना आवश्यक था। तो ये आपका क्या हो गया 5 × 3x × x + 5 × 5 × x। तो ये आपका क्या हो गया 5 × 3 = 15 हो गया, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अगेन ये प्लस साइन, 5 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 25 हो गया, और एक्स सिंगल एक्स था तो आपका 25x। तो आपका कैसे होगा, ऐसे पे होगा। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, तो इसका भी जिसका पास एक्सपोनेंट नहीं दिया गया वन माना जाएगा, यहाँ भी वन है, दो के दोनों सेम वेरिएबल हैं और लाइक भी हैं, दो के दोनों सेम वेरिएबल हैं और लाइक भी हैं, तो वन में वन ऐड हो गया तो 2 हो गया। तो ये हो गया 15x² + 25x, राइट। तो ऐसे ही आपका मोनोमियल में बायोनोमियल का होगा, अगर बायोनोमियल में बायोनोमियल का मल्टीप्लाई होता तो वहाँ भी उसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा, बायोनोमियल में बायोनोमियल का मल्टीप्लाई कल की क्लास में रहेगा तो वहाँ हम आप लोगों को बता देंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट आपका बेटा जो है, अब एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, तो एक्सरसाइज आपका 9.2 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ये जो पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स के जो पेयर्स हैं उनका क्या फाइंड करना है आपको, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स क्या, उनका मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो फाइंड करना है। तो दो टर्म्स के मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब क्या है, वन टर्म, मोनोमियल का मतलब क्या है, वन टर्म, सिंगल टर्म। तो यहाँ पे 4 and p है तो क्या करना है, 4 × p। तो आपका देखिए एक कांस्टेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि वेरिएबल का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा। 4 में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा।
वो आपका हुआ। आप इसी का सेक्शन थ्री क्वेश्चन नंबर वन का ही सेक्शन थ्री जो है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म में आपका है -4p एंड सेकेंड टर्म है मल्टीप्लाई बाई 7pq। तो अब देखिए क्या है, अब दोनों जगह से पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड में लेकर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में वेरिएबल को लेकर के करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया -28, 4 7 जा 28, तो हो गया -28। पी एंड पी क्यू का बेटा देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देख लीजिएगा थोड़ा सा, पी मल्टीप्लाई बाई पी क्यू का मतलब क्या हुआ, पी में क्यू का मल्टीप्लाई हुआ था, तो जब इसको और ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू। तो ये आपका हो जाएगा 28 - 28 पी स्क्वायर क्यू, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आप लोगों को करना रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर टू पर आने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर टू पे वर्क करते हैं बेटा। टू टाइप्स के एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D मीन्स टू डायमेंशनल शेप, 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल शेप। तो जो बेटा आपका 2D होता है उसमें जैसे आपका है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, एक आपका स्क्वायर और दूसरा आपका क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये सब क्या है बेटा, 2D शेप है। तो ये आपके 2D शेप हैं, इसमें क्या फाइंड करना रहेगा, आइदर एरिया अदरवाइज पेरीमीटर, या तो एरिया आपको फाइंड करना रहेगा या तो पेरीमीटर फाइंड करना रहेगा। तो पेरीमीटर में स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो बेटा 4 × साइड होता है, और जो इसमें रिक्टेंगल में होता है 2 × l + b होता है। उसके बाद जब एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आता है साइड इंटू साइड। जबकि रिक्टेंगल में आते हैं तो ये लेंथ होता है और ये आपका ब्रीथ होता है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया होता है रिक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, राइट। तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड, जबकि पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल 2 × l + b, राइट। ये इतनी चीज़ें हो गई। तो चलिए अब देखिए, ये तो था 2D। तो यहाँ पे जब आप लोगों को एरिया फाइंड करने को आएगा, कोई रिक्टेंगल दे देगा, ये 2 आपका 2l है, ये आपका 3m है, कह देगा इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल का पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल का क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, एल आपका 2l है, बी आपका 3m है, तो ये हो जाएगा 2 × 3l × m, तो ये हो जाएगा 6l l। तो ये तो आपका एरिया आ जाएगा, वैसे स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर का। उसके बाद में आप जब आपका आएगा 3D शेप में, राइट, 3D शेप में जब आपका क्यूब क्यूबाइड आएगा, 3D शेप में जब क्यूब क्यूबाइड की बात आती है तो वहां पे क्या फाइंड किया जाता है, क्यूब एंड क्यूबाइड में क्या फाइंड किया जाता है, वॉल्यूम। वहां पे क्या फाइंड किया जाएगा, तो वॉल्यूम दोनों केस में, क्यूब एंड क्यूबाइड दोनों के केस में, यहाँ पे क्यूब के केस में वॉल्यूम होता है साइड, वहां पे एस कहते हैं इसको, एस कहते हैं, तो एस मल्टीप्लाई बाई एस, वहाँ पे साइड को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो या तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड आप समझने के लिए कह सकते हैं, बाकी वो क्या बोला जाएगा, एस मल्टीप्लाई बाई एस। और अगर क्यूबाइड है तो यहाँ पर रहेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। 3D हो गया तो 3 चीज़ें आ गई, वहाँ एज मल्टीप्लाई बाई एज का मतलब ही है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई
हाइट, जब तीन के तीनों सेम है तो उनको एक कॉमन नेम दे दिया गया है। अब यहाँ पे तीन के क्यूब हाइट के केस में तीन के तीनों क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा एंड हाइट अलग होगा। तो वहाँ पे ऐसे फाइंड करना रहेगा। तो वहाँ पे एरिया और वॉल्यूम, वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। सपोज दैट इसी में अगर एक जगह पे लेंथ जो है आपका 2L है, ब्रेथ आपका जो है वो 3M है एंड हाइट जो है वो आपका 6N है, हाइट आपका 6N है, तो वो आपका जो वॉल्यूम होगा वह क्या हो जाएगा, LBH, तो ये हो जाएगा 2L 3M 6N, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 L मल्टीप्लाई बाई M मल्टीप्लाई बाई N, तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 6 36 और हो जाएगा LMN, ऐसे किया जाएगा, राइट। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बेटा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिए तो कई है, जैसे एक ब्रैकेट में आपका दिया है पी एंड क्यू, तो इसका मतलब ही है कि पी आपका लेंथ है, क्यू आपका ब्रीथ है। हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन को पिकअप किया है, एनी 2 को बताएंगे। सेकेंड में है 20x² 5y², तो इसका मतलब ये है कि आपका लेंथ है, आपका ब्रीथ है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा फिगर बना दीजिए। ये आपका ABCD हो गया रिक्टेंगल, ये आपका ABCD एक रेक्टेंगल हो गया, ये आपका P है, ये आपका Q है। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए एक फिगर बना दीजिए, ABCD ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका हुआ 20x² है, उधर वाला आपका क्या हुआ 5y², राइट। तो आपका 20x² और आपका 5y² है। तो यहाँ पे अब आपका इस फर्स्ट वाले केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा, L × B, L आपका P है और B आपका Q है, तो ये आपका क्या हो गया PQ, सीधे सीधे क्या हो गया PQ हो गया। अब इसके बाद वाले में देखिए, सेकेंड वाले केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा, L × B, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20x² + 5y², तो ये क्या हो जाएगा 20 × 5, ये हो जाएगा x² × y², तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा x²y², राइट। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। वह ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उन्होंने टेबल बना करके दे दिया है और टेबल में जहाँ पे उन्होंने जैसे कहा है वैसे आप लोगों को उनका एरिया सब फाइंड करके टेबल को फिलअप करना है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं ऑब्टेंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए गए हैं, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स से मिलकर के क्या बनता है, क्यूबॉइड, एंड स्क्वायर बॉक्स से मिलकर के क्या बनता है, क्यूब। ये आप लोग जानते होंगे, ये आप लोगों को क्यूब एंड क्यूबॉइड के इंट्रोडक्शन में जब वो आपका क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जब उससे सॉलिड शेप वाले में सॉलिड शेप ला करके वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो ये आप लोगों को बताया जाता है। न जान रहे हो तो अब भी जान लीजिए बेटा, जो रेक्टेंगुलर शेप पे जो बनता है 3D फिगर उसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे माचिस की डिबिया, जैसे माचिस की डिबिया मैच बॉक्स जिसको कहते हैं आप लोग, उसको देख सकते हैं वो किस पे बनता है, रेक्टेंगुलर शेप पर बनता है। जबकि जैसे वो भी हो गया, ये भी आप देख सकते हैं, इस डस्टर को देख सकते हैं, डस्टर में देखिए एक ऐसा है शेप, रेक्टेंगुलर है, लेंथ है ज़्यादा है, ब्रीथ आपका कम है, तो ये रेक्टेंगुलर बेस पर बना हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया शेप, क्यूबॉइड का शेप हो गया। और यदि इसी को अभी यहाँ से कट कर दिया जाए, स्क्वायर का बेस हो जाए, अगर स्क्वायर बेस पर कोई 3D
डी फिगर बना है तो वह क्यूब कहा जाएगा, और रेक्टेंगुलर बेस पे कोई थ्री डी फिगर बना है तो क्यूबाइड बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को रेक्टेंगुलर बॉक्स करा तो मतलब फिगर कैसा है, क्यूबाइड है। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना तो सीधी सीधी बात आ गई, थ्री डी फिगर होगा। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए थ्री डी फिगर, और थ्री डी फिगर में बॉक्स कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो मतलब क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। अब आप क्यूबाइड में आपको लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दिया गया है। ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रीथ है, ये आपका हाइट है। तो अब इसका क्या फाइंड करना है आप लोगों को, वॉल्यूम। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच, मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5a मल्टीप्लाई बाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7a पावर 4। तो आपका क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, कांस्टेंट को पहले एक साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, एंड उसके बाद आपका वेरिएबल में a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a पावर 4। तो ये आपका क्या हो गया, 5 3 15, 15 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 105। तो ये 105 हो गया। और इधर आपका आपका देखिए, तो ये सब के सब सेम है, वेरिएबल सब के सब सेम है, केवल उनके एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो जब वेरिएबल सेम है, उनके से एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में ये सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका क्या होता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। तो ये आपका हो गया, ये अगर ऐसे है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए सब 1 + 2 + 4, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 7, 4 + 2 = 6 + 1 = 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 105 × a^7। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 हम बता रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। आपको केवल प्रोडक्ट फाइंड करना है कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो ये फोर्थ पार्ट है इसका, ए टू बी थ्री सी एंड 6abc। तो क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई टू बी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ए मल्टीप्लाई बाई टू बी मल्टीप्लाई बाई थ्री सी मल्टीप्लाई बाई 6abc, इतना ठीक है। जिसका कॉफिशियंट कुछ नहीं दिया गया, उसका कॉफिशियंट क्या कंसिडर किया जाता है, 1। तो ए का कॉफिशियंट क्या हो गया, 1। अब बेटा हम क्या बताए थे कि मल्टी, आप कांस्टेंट को एक साइड में लेकर मल्टीप्लाई कीजिए, वेरिएबल को उसके बाद में। तो ये आपका हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 6, ये आपका कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद में आपका वेरिएबल में ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई ए बी सी। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 6 × 6 × 36, ठीक, ये 36 हो गया। आप देखिए यहाँ पे ए वन टाइम यहाँ है, वन टाइम यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ए में ए का मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों की पावर 1 है, 1 पावर ऐड हो जाएंगी, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इधर बी भी है, क्या है, यहाँ भी है, तो ये आपका b में b का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, दोनों का एक्सपोनेंट 1 है, तो b स्क्वायर हो गया है, b स्क्वायर। वैसे ही एक सी यहाँ, एक सी यहाँ, c का भी हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, राइट। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब इस प्रकार बेटा आपका ये एक्सरसाइज 9.2 अकॉर्डिंग टू NCERT ओवर हो गया। हमने सब के क्वेश्चन के हर सेक्शन से एक एक दो दो क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। अब जो आज का आपका HW रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5। ये तो आप लोगों का NCERT के अकॉर्डिंग रहेगा। ये जो आप लोगों का HW होगा वो कहाँ से रहेगा, NCERT के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद में आप लोग RS अग्रवाल से देखेंगे तो आपका जो रहेगा एक्सरसाइज 6A और 6B
तो ये आपका एक्सरसाइज 6A एंड 6B जो है ये आपका RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग उसमें भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को आप लोग साथ में लेकर के वर्क करेंगे। तो आज का HW क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू NCERT क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड RS अग्रवाल क्वेश्चन एक्सरसाइज 6A एंड 6B। ओके फिर मिलते हैं बेटा कल हम लोग कल की क्लास में। ओके थैंक्स।